हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल बनवाल किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे काजू बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो घर में बनाना बहुत आसान है और इसे हम बहुत कम चीज़ों से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। काजू बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम काजू लिया है, 50 ग्राम चीनी लिया है, मैंने जितना चीनी लिया है उसका आधा पानी लिया है और एक चम्मच घी लिया है। अब हम सबसे पहले काजू का पाउडर बनाएंगे, इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। इसे पीसते समय हमें यह ध्यान देना है कि काजू को हम कंटिन्यू ना चलाएं, नहीं तो हमारा काजू तेल छोड़ सकता है। हमारा काजू का पाउडर तैयार है। मैंने यहाँ मिक्सर को धीरे धीरे करके चलाया है। आप भी मिक्सर कंटिन्यू मत चलाना, वरना आपका काजू ऑयल छोड़ सकता है। आप देख सकते हो कि हमारा काजू प्रॉपर पाउडर के फॉर्म में है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुआ है। अब मैं एक चलनी में काजू के पाउडर को डाल रही हूँ। इससे अगर काजू के पाउडर में बड़े पीसेस होंगे तो वो अलग हो जाएंगे, हमें बर्फ़ी बनाने टाइम इसमें लम्स नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा काजू का कितना फाइन पाउडर बना है, काजू का पाउडर बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ा है। अब हम काजू बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में चीनी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हमें यह ध्यान देना है कि मैंने जितना चीनी लिया है उसका आधा पानी लिया है और गैस का फ्लेम हमारा यहाँ हाई रहेगा। हमें चीनी को पानी में अच्छे से मेल्ट करना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो चीनी पैन में सकने लगेगी। चीनी पानी में मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में उबाल भी आ गया है। अब हम इसमें काजू पाउडर डालेंगे और गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसे हमें कंटिन्यू लो फ्लेम पर चलाते रहना है ताकि हमारा काजू का पाउडर शुगर सिरप में अच्छे से मिक्स हो जाए और काजू का पेस्ट जले भी ना। आप देख सकते हो अब हमारा काजू का पेस्ट हल्का गाढ़ा होने लगा है। अब मैं इसमें एक चम्मच घी ऐड करूंगी। आप घी ज़्यादा ऐड मत करना, इससे काजू की बर्फी थोड़ी ऑयली हो सकती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। उधर हमारा काजू का पेस्ट पक रहा है, तब तक मैं एक थाली लूँगी और इसे घी से ग्रीस करूँगी। इसमें मैं पके हुए काजू के पेस्ट को निकालूंगी। साथ में मैंने 2 इक्वल साइज के एल्युमिनियम फॉइल लिए हैं, इसे मैंने घी से ग्रीस करके साइड रख दिया है। आप चाहे तो इसकी जगह बटर पेपर भी यूज कर सकते हो। इधर हमारा काजू का पेस्ट गाढ़ा हो रहा है, लेकिन इसने अभी पैन नहीं छोड़ा है, इसलिए इसे थोड़ा और पकाने की ज़रूरत है। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हमारा काजू का पेस्ट पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं इसे एक प्लेट में निकालकर चेक करूंगी कि ये मेरे फिंगर में चिपक रहा है या नहीं। ये बहुत गर्म होगा, इसलिए इसे आराम से चेक करना है। आप देख सकते हो कि ये पेस्ट बिल्कुल भी मेरे फिंगर में नहीं चिपक रहा है। अब हमारा काजू का पेस्ट प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ग्रीस किए हुए प्लेट में निकालूंगी। आप यहाँ काजू के पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है। इसे हमें इतना मिलाना है कि हम इसे हाथ से अच्छे से हैंडल कर सकें
और ना इसे ज़्यादा ठंडा करना है, नहीं तो यह गाढ़ा हो जाएगा और इसकी बर्फ़ी बनाने में दिक्कत होगी। काजू का पेस्ट थोड़ा ठंडा हो चुका है, मैं इसे हाथ से हैंडल कर पा रही हूँ। अब मैं इसे ग्रीस किए हुए एल्युमिनियम फॉइल पर निकाल रही हूँ और इसे हाथ से अच्छे से फैलाऊंगी। आप इसकी जगह बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी गर्म होता है, इसलिए आप संभल कर अपने हाथों से इसे फैलाना। अब मैं इसे दूसरे एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर करूंगी और एक बेलन के हेल्प से इसे बेलूंगी। आप कोशिश करना कि आप इसे स्क्वायर शेप में बेलो ताकि एक्स्ट्रा पीसेस बहुत कम निकले। मैं बीच में एक बार थिकनेस चेक कर रही हूँ। मैंने यहाँ थिकनेस नॉर्मल रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस रख सकते हो। अब हम इसे एक कटर या चाकू की हेल्प से बर्फ़ी के शेप में कट करेंगे। इसे हमें ध्यान से कट करना है। ये पेस्ट बहुत जल्दी हार्ड होता है, इसलिए हमें इसे पूरी तरह ठंडा होने से पहले इसे बर्फ़ी के शेप में कट कर लेना है। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप इसमें ज़रूर चिपकाना, मेरे पास लॉकडाउन के कारण अवेलेबल नहीं है। हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, मैं एक बर्फ़ी को हाथ में लेकर दिखा रही हूँ। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो और यह कितना जल्दी हार्ड होता है ये भी देख सकते हो। हमारी काजू की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। मैंने जो 100 ग्राम काजू लिया था उससे 11 पीसेस काजू की बर्फ़ी बनी है और कुछ एक्स्ट्रा पीसेस निकले हैं। आप यहाँ बर्फ़ी की शेप और थिकनेस दोनों देख सकते हो कि कितनी अच्छी आई है। अब हमारी काजू की बर्फ़ी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। इस लॉकडाउन के टाइम में आप काजू की बर्फ़ी का आनंद घर पे उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।